पब्लिक में नहीं देना चाहिए, यानी गुरु मुख से ही मंत्र ले लेकर पढ़ना चाहिए और दूसरों को आप ये मंत्र पढ़ो बोल के बोला नहीं चाहिए, मंत्र का प्रभाव चले जाता, ऐसा राधा देवी का कहना है। अभी आपको जो मंत्र दिया हूँ उसको आप किसी दूसरे को नहीं देना चाहिए, देने से आपके क्या हुआ मंत्र जाता है, इसलिए मैंने कागज पर लिखा है, नहीं तो मैं आपको प्रिंट करके दे दिया होता। फिर भी मैं मंत्र पढ़ रहा हूँ, कोई गलतियां हो तो देखने के लिए एक बार देख लो। राधा देवी ने गणेश जी की स्थिति इस बार इस प्रकार की, आप दुकान जाते हो या घर में नौकरी को कहीं जाते हो, इसको सुबह एक बार जो सुबह गणपति दिया हूँ उसके सामने एक बार अगर पढ़ लेते हैं तो आप स्वयं अनुभव करेंगे कि आपके घर में वो चिंताएं मिट जाएगी। मैं मंत्र पढ़ रहा हूँ, परम धाम परम ब्रह्म परेशम परमेश्वरम विघ्न निघ्न करम शांतम पुष्टम कांतम मरंतकम सुरा सुरेन्द्रय सिद्धेन्द्रय स्तुतम स्तौमि परात्परम सुर पद्मादि दिनेशं च गणेशम मंगलायनम, ऐसा मंत्र है। आपको इसको रोज सुबह अगर आप पाठ करते हैं गणेश जी जो दिए हैं उसके सामने, तो आपके घर में कोई विघ्न नहीं आएंगे, सारे शुभ कार्य भी होंगे, मंगल कार्य होते हैं होते रहेगा, घर में शुभ कार्य होगा। अगर आपने वास्तु दोष का निवारण यंत्र ला लिया है तो आप सब लोग खड़े हो जाओ, जो लोग लाए जो वास्तु दोष यंत्र लाए हैं वो लोग खड़े हो जाओ, बैठान में रख लो और मैं संकल्प बोलता हूँ वैसा ही संकल्प, इसको आप घर में भी कर ले सकते हैं लेकिन आज मेरे सामने करते हैं तो उसका फल अलग ही होता है, इसलिए केवल 1108 बार ही मंत्र बोलना है, इसलिए मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा संकल्प मेरे साथ बोलो। बोलो ओम अस्य श्री ब्रह्म मंत्रस्य चैतन्य प्राप्ति पूर्वक बल वीर्य विविध अर्थ अनार्थ साधनार्थम अमुक गोत्र, आपका गोत्र बोल लो, आपका नाम बोल लो, नाम्नाः गृहस्थित विविध वास्तु दोष निर्वृत्ति पूर्वक सकल ऐश्वर्य प्राप्त्यर्थ श्री ब्रह्मयंत्र सिद्धि सहित ब्रह्म मंत्र जपम स्थापनंच करिष्ये, विनियोग बोलो ओम अस्य श्री ब्रह्मा महामंत्रस्य परमेश्वर ऋषि त्रिष्टुप छंदः श्री वास्तु अधीश्वरो वास्तु अधीश्वरो वास्तवाधीश्वरो ब्रह्म देवता ओम बीजम ह्रीम शक्ति ब्रह्मण इति कीलकम श्री वास्तव अधीश्वर ब्रह्मा प्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। उदय महाराज मुद्रा बोलते हैं ओम अम आम अंगुष्ठाभ्या नमः ईम ईम तरणीभ्या नमः ओम ओम मध्यमाभ्या नमः ऐं ऐं अनामिकाभ्या नमः ओम ओम कनिष्ठिकाभ्या नमः ओम अम महाकर्दलकर पृष्ठाभ्या नमः हृदय न्यास्कर अम आम हृदयाय नमः ईम ईम शिरसे स्वाहा ओम ओम शिखाय वशिट ऐं ऐं कवचाय हुम ओम ओम नेत्रत्राय वोषट अम अह अस्त्राय फट ओम भूर्भुवस्वरिधि बन्धः। आप हाथ जोड़ो, मैं ध्यान बोल रहा हूँ। इसमें ब्रह्मा जी ने एक दिन रखकर वास्तुअधीश्वर वास्तु का अधीश्वर देवता को स्वयं निर्माण करके यंत्र किया था, इसलिए ये ब्रह्म यंत्र ही कहला जाता है। उन्होंने उसके साथ दिया था वास्तु वास्तु निर्माण के लिए कि जिस घर में दुख हो उस वास्तु देवता बहुत है। आजकल के ब्राह्मण भी वास्तु देवता को वास्तु पुरुष की स्थापना करते हैं और ब्रह्मा ने भी वास्तु के अधीश्वर देवता का निर्माण किया था और निर्माण करके विश्वकर्मा को बोलते हुए इंद्रा इस यंत्र को कहते हैं कि हम देवता प्रतिष्ठा करते हैं मंदिर में तब भी स्थापन करते हैं या घर में कुछ दोष है तो इस यंत्र को सर के नीचे रख लेकर रहने से कोई शल्य दोष यानी घर में कोई हड्डियां वड्डियां रह गए कोई दोष है ऐसे दोष का भी 11 दिन में पता चल जाता है और घर में गड़ा धन हो तो भी इस यंत्र को अगर हम अपने सर के नीचे लेकर सोते हैं उस मंत्र को करते हुए तो उसका भी अपने को घर में पता चल जाता है। ऐसा ये दिव्य यंत्र आज निखिल चेतना केंद्र आपको प्रदान कर रहा है, आपके सारी कार्यों का
निर्विघ्नता के साथ आप स्वयं करें, किसी के ऊपर आधारित ना होते हुए इस यंत्र को अगर आप आपके घर में स्थापन करते हैं तो इन सारे दोषों को भी क्वाभी निवारण होता है। कभी कभी हम देखते हैं हमारे घर में टूटे फूटे विग्रह घर में रखे जाते हैं, या तो मंत्र जिसका प्राण प्रतिष्ठा हो गई हो, 3 वर्ष के बाद छोटे छोटे प्राण प्रतिष्ठा मंत्र उसको वैसा ही रखते हैं, या फिर बड़े बड़े यंत्रों को रखते हैं। किस यंत्र को कितने दिन कितने वर्ष रखना है, उसके प्राण कितने दिन चेतना जागृत रहती है नहीं रहती है, इसका ज्ञान जब तक नहीं होता तो हम प्राण गए हुए अगर यंत्रों को घर में रखते हैं तो उसका प्रभाव नहीं होगा। तो इस बात का ऐसे कोई दोष भी घर में है तो उस दोषों का भी निवारण होता है। अपने को अपने घर में कोई पितर अपने बड़े अपनी गलतियों से श्राप दे के जाते हैं या उनको कष्ट पहुँचता है, तो ऐसे दोष भी इस यंत्र के माध्यम से शांत होते हैं। क्योंकि ब्रह्मा ने इस वास्तवाधीश्वर को, आज तक आपने वास्तु पुरुष का नाम सुना होगा लेकिन वास्तवाधीश्वर देवता का नाम नहीं सुना होगा, ये ब्रह्मा ने स्वयं करते हुए इस यंत्र को दिया था। मैं यह उनका उस यंत्र का ध्यान बोल रहा हूँ। कमंडलुम पुस्तकम अक्षमालाम, हिंदी में अक्षमाला पड़ा है वो आ है, अक्षमालाम स्त्रुवम दधानम जटिनम चतुर्मुखम पद्मासनस्थम मृगचर्म वस्त्रम पार्श्वस्थ हंसः प्रणमामि पातलम। ये जो वास्तवाधीश्वर है मृगचर्म पहना हुआ है, कमंडलों में हाथ में पुस्तक और अक्षमाला पकड़ लिया हुआ है और चतुर्मुख भी है। यह ब्रह्मा ने अपने इस वास्तवाधीश्वर का निर्माण करते हुए इस यंत्र को दिया था, ये उनका ध्यान है। अभी यंत्र को पंचोपचार पूजा बोलते हैं, अपने हाथों से उदय महाराज जैसा बोलते हैं वैसा करो। लम पृथ्वी तत्वात्कम गंधम परिकल्पयामि, अब आप यंत्र को सामने रखकर अगर आज शाम तक 1108 मंत्र पूर्ति करते हैं यंत्र सिद्ध होता है। जब यंत्र सिद्ध होता है तो मैं आपको शाम में उसको छूकर दीक्षा प्रदान करता हूँ। मंत्र बोलता हूँ, एक बार मंत्र मेरे से सुने, बोलो ओम हरि नमो वास्तवाधीश्वर ब्रह्मणे नमः। ओम हरि नमो वास्तवाधीश्वर ब्रह्मणे नमः। ओम ह्री नमो वास्तवाधीश्वर ब्रह्मणे नमः। చాలా మంది తెలుగు తెలుగు ఉండొచ్చు, మనం వాస్తు పురుషుని ఇంట్లో స్థాపన చేయక చూసినాం, కానీ బ్రహ్మ స్వయంగా ఇంద్రునికి విశ్వకర్మ ద్వారా తన ప్రతిరూపాన్ని సృష్టించి వాస్తవ అధీశ్వరుడు వాస్తు యొక్క అధీశ్వర దేవతగా సృష్టించి ఈ యంత్రాన్ని తయారు చేసి ఇచ్చినాడు. కనుక ఏ ఇంట్లో అయితే శల్యం అంటే కనిపించని దోషాలు, ఇంట్లో శల్యం ఎముకల ఉన్నా కానీ వీటే ఏమన్నా ఉన్నా కానీ లేకుంటే ఇంట్లో ఇతర దోషాలు కనిపించినవి కనుక ఉంటే, ఇతర దోషాలు పితృ శాపం వల్ల ఇంట్లో ఏమైనా ఇబ్బందులు జరుగుతుంటే, దేవతల శాపం వల్ల ఇంట్లో ఇబ్బంది జరుగుతుంటే, ఇంట్లో ఏదైనా పాతి పెట్టిన ధనం ఉంటే, వాటన్నిటి జ్ఞానం వాటన్నిటి నివారణ ఈ యంత్రం ఇంట్లో స్థాపించిన తర్వాత జరుగుతుంది. ఈవెన్ మనం కనుక మందిరాల్లో ప్రతి దేవతా పూజలు చేసేటప్పుడు వేరే ఏ దోషాలు జరగకుండా ఈ యంత్రాన్ని పూజించే కనుక మనం దేవతా ప్రతిష్ట మందిరంలో చేస్తే ఏ దోషం మనతో తెలిసి తెలియని దేశం దొరకమైనా ఆ దేవత స్థాపనలో ఇబ్బంది కలిగినా ఆ దోషాలన్నీ పోతాయని స్వయంగా బ్రహ్మ వారు విశ్వకర్మకు తర్వాత సర్వస్థ రాజైన దేవత ఇంద్రుడికి చెప్పినాడు. కనుక ఈ యంత్రం దివ్యమైనది, ఈ యంత్రాన్ని మీరు కనుక స్థాపించి మీ దగ్గర పెట్టుకుంటే మీ ఇంట్లో ఉంటే అన్ని దోషాలు నివారణ, మీ ఆఫీసులో కానీ మీ వ్యాపార స్థలంలో కానీ మీ ఇంట్లో కానీ యంత్రాన్ని స్థాపించి ఒకవేళ సాయంత్రం వరకు ఒకవేళ 108 మంత్ర పూర్తి అయితే ఆప 1108 మంత్ర శాంత పూర్ణ కర్తే తుమే శాంతి సెషన్ మే ఇస్కి దీక్ష ఆప్కు ప్రదాన కరుంగా. ఏ యంత్ర కి స్థాపన అప్నే లియే బహుత్ హై, ఆజ్కల్ వాస్తు కి దోష్ సే సబ్ లోగ్ సతాతే హై, ఇస్ ఏక్ యంత్ర కి స్థాపన సే ఉస్ దోష్ కా నివారణ హోగా ఔర్ ఇస్ యంత్ర కో హమ్ నిరంతర అపన్ జహా రహతే హై వహాన్ అప్నే సాథ రఖే, చాహే వో కిరాయ కా ఘర్ హో, చాహే అప్నా ఘర్ హో, చాహే వ్యాపార స్థల హో, चाहे और कुछ भी ऑफिस हो, उसमें हम इसको अपने पास रखकर उस दोष का निवारण कर सकते हैं। मैं आप सभी को आशीर्वाद देता हूँ कि अगला सेशन शाम के 6 बजे आरंभ करता हूँ, गुरु आरती से आरंभ होगा। अब मैं जिनका नाम लेता हूँ वो लोग ऊपर आए, हम मध्याह्न की गुरु आरती संपन्न करेंगे। वो अक्सर उनके पत्नी के साथ पालोल बहन और उनके साथ मनीष
और जीव कलेरी और दीक्षित जी चंद्रपुर के और हरे कृष्णा ऊपर आरती के लिए आया गुरु आरती संपन्न करेंगे। स्वयं चंद्रपुर भी आए